नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीएन न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं और नवंबर में संपन्न हुए पंचायती चुनाव के बारे में जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, अभी जो नवनियुक्त सरपंच बने हैं उनसे हम जानना चाह रहे हैं, पार्षदों से जानना चाह रहे हैं और ब्लॉक समिति मेंबर से जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरीके से आपके अपने गाँव का विकास कराएंगे। इसी कड़ी में आज हम गाँव आकेड़ा में हैं और गांव आकेड़ा खंड नुहू और जिला नुहू में आता है। अगर गांव आकेड़ा की बात रिसेंटली अभी तुरंत की जाए, जो अभी की जो घटना है हाल फिलहाल की, जैसा अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है देश में, राहुल गांधी जी लेके चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, तो उन्होंने इस गांव में एक रात स्टे किया है, यानी एक रात वो इस गाँव में ठहरे हैं। तो अगर कहा जाए तो ये गाँव इतिहास से जुड़ गया है, क्योंकि गांधी परिवार जहाँ जहाँ भी स्टे किया, जहाँ जहाँ भी ठहरा, जिस भी गांव में ठहरा है वहाँ उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, उस गांव का नाम। तो आज हम सरपंच हैं हमारे साथ काजम जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह की व्यवस्था कराई राहुल गांधी जी के लिए, और कुछ ग्रामीण साथी भी बैठे हैं उनसे भी जानना चाहेंगे उनको कैसा लगा उनके गाँव में राहुल गांधी जी आए। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी आए, तो उनसे जानना चाहेंगे उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले हम आपको सरपंच साहब से कराते हैं, गांव के सरपंच है फिलहाल के। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। आप प्रथम बार सरपंच बने, सबसे पहले तो मैं आपको हार्दिक बधाई। जी जी, आपको भी बीपीए न्यूज को भी हम हार्दिक यानी शुभकामनाएं देते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गाँव में गांधी परिवार का एक सदस्य आया, एक इंदिरा गांधी का पोता आया, आप क्या कहेंगे उनके लिए, क्या विचार रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी जी आए हमारे गांव आकेड़ा के अंदर, ग्राम पंचायत आकेड़ा में, तो सबसे बड़ा तो हमें यही है कि हम लोग बहुत बहुत यानी कि मुबारकबाद हो राहुल गांधी जी को, जो हमारा गांव ही चुना, और हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। हमारे पूरे गांव में बच्चे, बूढ़े, लड़का, लड़कियाँ, युवा, वो सबको बहुत बहुत यानी कि खुशी का माहौल रहा। ऐसे समझो जैसा कि एक हमारे ईद यानी कि त्यौहार आता है, ऐसे तो इस ऐसे ही यानी कि खुशियां मनाई थी हमारे गांव में। जी जी, तो अगर बात करी जाए पूरे मेवात क्षेत्र की, क्या कैसा रहा उनका राहुल गांधी जी की यात्रा का मेवात के अंदर? राहुल गांधी की यात्रा का तो बहुत बड़ा यानी कि योगदान जो है रहा है, और जो है बहुत बड़ा जुड़ाव है और बहुत बड़ी, और इस यात्रा से क्या देश में जुड़ाव होगा? बिल्कुल 100% बहुत बड़ा जुड़ाव होगा। जी, तो पैदल गए हो जी? अच्छा, ये सरपंच साहब पैदल गए जी। कहाँ, आप कहाँ तक यात्रा में शामिल रहे, कहाँ से कहाँ तक? मालव से यानी फिरोजपुर नमक तक जो है मैं पैदल गया राहुल गांधी जी के साथ। जी, चलो अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से आपको गांव ने जिम्मेवारी दी है, सरपंच बनाया है, अगर विकास कार्यों की बात करी जाए तो प्रथम आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या प्राथमिकता दे दो विकास कार्यों में? मैंने एक ही यानी कि वादा किया था ग्रामीणों से, मैं पहली बार ही चुनाव लड़ा था और पहली बार ही गांव ने मेरे को चुनाव के 386 वोटों से बहुत से में जिताया। मैंने एक वादा किया था कि मैं अपना गांव को मॉडल यानी कि आदर्श गांव बनाऊंगा। आदर्श गांव बनाऊंगा, तो चाहे मुख्यमंत्री से लेकर नहीं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति तक जाना पड़े। और मैं आपसे भी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को वहाँ तक यानी कि मुख्यमंत्री तक, आपकी आवाज़, और अपने जो है पंचायत राज का मंत्री बबली देवेंद्र बबली जी तक पहुंचाए, और मेरा महामहिम राष्ट्रपति तक भी मेरी आवाज़ जानी चाहिए, जाना चाहिए। इन्हीं के साथ कुछ ग्रामीण साथी भी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है देश में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरपंच साहब, आपसे ही मैं पहले सबसे पहले जानना चाहूँगा। अच्छी खबर है जी। पहले सबसे पहले तो आप चैनल पर हमारे नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी एक्स सरपंच। एक्स सरपंच, पूर्व सरपंच बैठे हैं साथ में देखो यहाँ पे, तो क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप? अच्छी हुआ है जी, पब्लिक में जोश आया है। पब्लिक में जोश आया, परिवर्तन होगा क्या देश में? परिवर्तन होएगा, अच्छा परिवर्तन होगा, पूरा देश में, और पब्लिक में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। खुशी की लहर आ गई पब्लिक। हाँ, पब्लिक में। ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप, स्टेट की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात? जहाँ से भी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। कुछ और साथी भी हैं, युवा साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे राहुल गांधी जी आए और क्या विचार रखे उन्होंने, क्या कहेंगे उनके बारे में आप? जी सर, मेरा नाम अरशद हुसैन है। जी अरशद जी,
मैं यही बताना चाहता हूँ सर, जो राहुल गांधी जी ने जो पहल की है ये समय की डिमांड थी, ये होना चाहिए था, ऑब्वियसली होना चाहिए था, ये हुआ है तो परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर परिवर्तन लेकर आएगा। इस जो यात्रा है, इस यात्रा के दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे जी। और राहुल गांधी ने जिस तरह से वो अपने इस यात्रा को का एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि वो झूठ के बाजार में सच की दुकान खोलने आए हैं, तो निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलेगी सर, परिवर्तन देखने को मिलेगा जी, पूरे देश में जी बिल्कुल, या सिर्फ राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं सर, पूरे देश में मिलेगा। एक और युवा साथी हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आप शुभ नाम, आपका क्या नाम है? इरफान है सर। इरफान जी क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके गाँव में राहुल गांधी जी एक रात ठहरे जी, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हमने जी पूरी सेवा दी है उनके लिए। अच्छा, यहाँ भी हमने चाय पानी का जुगाड़ रखा है जी, और अब की बार हुड्डा सरकार आएगी जी, और हमने अभी 3 सीट दी है अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत ना है जी, पूरी हम साथ हैं जी हुड्डा के राहुल गांधी जी। देखिए इनका कहना है कि राहुल जी के साथ हैं और इन्होंने फिलहाल विधायक जो बना रखे कांग्रेस के बना रखे। बाबा क्या नाम आपका? अब्दुल रजाक जी, क्या कहेंगे आप अपने गांव में राहुल जी ठहरे? भाई हमारे गांव में तो बहुत बढ़िया बात है, किसान काम साथ रहेगा जी, कोई बात रहा है आगे तक भी साथ दोगे? आगे तक भी साथ देंगे जी जी। चलो बहुत अच्छा लगा, ये ग्रामीण है और एक और बाबा बैठे हैं इनके साथ में, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या विचार है उनके। बाबा जी क्या नाम आपका? मेरा नाम जी है, नाम जन्म का करण सिंह है जी जी। वैसे मैं बैराग लाइन में करणनाथ महाराज के, करणनाथ महाराज जी, देखिए महाराज जी भी बैठे हैं। आश्रम मेरा अकाता है जी जी, उदा का अकाता काम तहसील जी, जन्मभूमि मेरा अकेला की, बहुत बढ़िया। और मैं यही चाहता हूँ जिससे हमारे बीपी न्यूज से चैनल के माध्यम से हमारे सरपंच ने जो बयान किया है वो बिल्कुल इससे पार उतरेंगे, ये खरे उतरेंगे, उसमें खरे उतरेंगे सोने की तरह जी। और आगे के लिए मैं ये कहूँगा कि ये जब तक भी है गरीबों की सुनाई करो और आगे बढ़ो जी, और खुददारों से बचो, खुददार सरपंच से, देखिए खुददारों से बचो जी जी, गलत कामों से बचो जी। देखिए ग्रामीण साथी बैठे हैं कितने सारे, मैं कैमरामैन साथी से चाहूँगा कि सभी को एक बार दिखाएं कैमरे में, तो एक बार फिर हम सरपंच साहब के पास चलते हैं और विकास कार्यों की जहाँ बात चल रही थी कि गाँव का मॉडल बनाएंगे हम, अपने गाँव को आदर्श गाँव बनाएंगे। आप अभी बाबा जी ने बोला कि गरीबों के बारे में अच्छा काम, क्या गरीबों के बारे में क्या सोचते हो और किस तरीके से अच्छा काम कराएंगे आप? सच्चाई है कि गरीबों में ही, मैं खुद गरीब हूँ और गरीबों ने मेरे साथ खूब यानी कि मेरे ऊपर भरोसा किया और मैं पूरा भरोसा की तरह मैं गरीबों के साथ बिल्कुल हूँ। सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं आप गरीब तक पहुँचा उन सभी योजना? बिल्कुल, सरकार की जो योजनाएं आएगी गरीब तक मैं जरूर पहुँचाऊँगा और गरीबों के लिए मैं आगे तक भी मांग करूँगा जो भी योजनाएं से। युवाओं के बारे में क्या सोचते हो आप? युवाओं के लिए मैंने कहा कि जो आदर्श गांव के लिए सबसे यानी कि स्टेडियम पार्क, हमारे देवेंद्र बबली ने भी कहा था कि भाई स्टेडियम भी बनाया जाएगा, पार्क भी बनाई जाएंगी जी, तो ये सबसे अहम चीज़ है युवाओं के लिए, पार्क और स्टेडियम। स्वास्थ्य को किस नज़र से देखते हैं गांव में आप? स्वास्थ्य के लिए तो जो गाँव में आशा वर्कर हैं, ANM वर्कर हैं, GNM वर्कर, क्या वो सही सुचारू रूप से काम कर रही हैं? बिल्कुल काम कर रही हैं, अच्छा बढ़िया, अच्छा काम कर रही हैं, मैं चाहती हूं सही समय पर टीकाकरण हो रहा है गांव में। बिल्कुल बिल्कुल टीकाकरण हो रहा है, डॉक्टर भी आ रहे हैं और बार बार यानी कि जो आप खसरा वगैरह चल रही है और जो ये डेंगू के बारे में मेरे पास अभी डॉक्टर का कुछ ही पहले फोन आया था, शॉपिंग जो अरे तेल दे के लिए जो ये कराते हैं ना वो धुआं से, अच्छा अच्छा पोल्यूशन का फोकिंग कराते हैं, फोकिंग तो उसका यानी आज फोकिंग भी करेंगे डॉक्टर साहब गांव के अंदर, गांव के अंदर। तो मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आपको सरपंच बनाया, आप ग्रामीणों के लिए अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से ये ग्रामीणों के लिए जो हमारे एक तो शिक्षा की कमी है जी, स्कूल की मैं टीचर नहीं है, तीन स्कूल हैं, तीनों स्कूलों में बहुत ही कम टीचर हैं, किसी में दो हैं, कहीं में 8 हैं, कहीं में 3 हैं, तो कंट्रोल नहीं हो रहे, बच्चे ज़्यादा हैं। तो सबसे तो मैं यही चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री से, प्रधान की हैसियत से मैं कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि शिक्षा में जो टीचरों की यानी कि पूरी कराई जाए, पूर्ति कराई जाए और पानी की क्या पानी ना पीने को, दूसरी हमारे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इतनी कमी है कि हम खारे पानी जो है यूज कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं और फिर टैंकरों से पानी आता है,
और जो लाइन बिछी हुई है टैंकरों में पानी नहीं आता, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं भी यानी कि जो मंत्री है तो सिंचाई मंत्री जो है जिस पे भी विभाग है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मिलोगे उनसे बात करोगे फिर कराओगे काम का विकास, मिलेंगे भी और पानी की कम है ना, और आगे तक यानी कि हम पानी जो है एक्शन पूर्ति कराओगे, पूर्ति करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। मिलकर एक और रास्ता है आपका जो दूसरे गांव को लिंक करता है इधर से जा रहा है गांव में से, उसके लिए क्या विचार है क्या? देखो ये पहले भी कहा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी इस्टीमेट लिए थे लेकिन वो अभी हुए नहीं, और सरकार चाह भी रही है गांव से गांव रिंग रोड जोड़ना, और जो है हमारे फिरने भी नहीं पड़ी हैं अभी दुनिया में काम कराना जी, रास्तों काम भी हाँ रास्ते भी पड़े हैं हमारे, और जो एक जो ये जोड़ है जो जोड़ों के बारे में जो चली है हमारे भी टेंडर हुए ना है, बाकी इस्टीमेट गए हुए बताए, बाकी उसको भी देखेंगे इस्टीमेट गए हैं या फिर हमें और भेजना पड़ेगा, तो जोड़ों को भी यानी कि छटाई हुई जलपूर्ति होने के बावजूद उनकी चार दीवारी तो कराई जाएंगी। चलो देखिए ये सरपंच साहब हैं हमारे साथ और आप देख रहे हैं सरपंच साहब को, इन्होंने 100 बातों की एक बात बोल दी कि मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनवाने की कोशिश करूंगा, मुझे चाहे महामहिम राष्ट्रपति तक भी जाना पड़े, मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़े या पंचायत विभाग जो मंत्री हैं उनके पास भी जाना पड़े। इनका कहना है कि जितना भी मेरा विकास है अगर मॉडल गाँव की बात आए आदर्श गाँव की बात आती तो उसमें सारी कमियाँ पूरी हो जाती है, तो उन्होंने सारे शब्द 100 बातों की एक बात बोल दी, सारे शब्द उसी में क्लोज हो जाते हैं, विकास सारा वहीं सिमट जाता है कि मैं अपने गांव को आदर्श गांव बनाऊंगा, जो अब से पहले किसी भी सरपंच ने हमें ये बात नहीं बताई थी। तो बढ़ते कदम सच्चाई कलम की देश का सच दिखाते हम, क्रिएटिव डायरेक्टर हरियाणा।